काफी सुधार घाटी की परिस्थिति में हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत कंटेन हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बहुत अच्छा काबू पाया गया है, आतंकी घटनाओं को भी काफी हद तक काबू पाया गया है। यहाँ पर जितनी जैश लश्कर एचएम की टॉप लीडरशिप थी वो पिछले कुछ वर्षों में सारी खत्म हो गई है। उनके द्वारा प्रयास किए जाते हैं लेकिन क्योंकि उनकी नेटवर्क ध्वस्त किया गया है तो उनके रिक्रूटमेंट पर भी इसका असर पड़ा। जो हमारे शहीदों के परिवारजन हैं वो हमारे अपने परिवार हैं, हम उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और आश्वस्त करते हैं कि सीआरपीएफ ही नहीं पूरा देश उनके साथ प्रत्येक परिस्थिति में खड़ा है। हमारे भाई जो देश के लिए शहीद हुए हैं उनका बलिदान हम लोग सदियों याद रखेंगे। जिस परिवार के सदस्य जो बलिदान दिए हैं उनकी आत्मा उनकी शांति के लिए एक बार वो फिर थोड़ा सा प्रयास करें, शांति सद्भावना दें और अपने आप को मजबूत रखें।